सो हे गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग, जोहार एंड नमस्ते सभी को हमारे तरफ से एकदम सीधा कसोल से। सो गाइस, आज हमारा डे 4 है, चौथा दिन है एंड हम लोग कल रात को घूमे यहाँ मार्केट कसोल उसोल एंड हम लोग कल सुबह पहुँच गए थे कसोल। आज हम लोग का कसोल दूसरा दिन होगा बट लेकिन हम लोग का कसोल ट्रिप का चौथा दिन है। एंड गाइस, आज सबसे ज़्यादा एडवेंचरस वाला दिन हम लोगों का है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं हाइकिंग एंड कैंपिंग। सो अभी यहाँ पर इतना हम लोग को ठंडा लग रहा है, कसम से उठने मन नहीं कर रहा था लेकिन हम लोग का प्लानिंग पहले से बना हुआ था, हम लोग को आज हाइकिंग भी करना है कैंपिंग भी करना है। सो हम लोग को जल्दी उठ के निकलना ही होगा। सो अभी आपका 9:30 बज रहा है, हम लोग को यहाँ 10 बजे यहाँ से निकलना है बिकॉज हम लोग उससे पहले भी जा सकते थे लेकिन यहाँ 10 बजे ही बस सब चलना शुरू होता है। हम लोग अभी जहाँ रुके हुए हैं यहाँ से हम लोगों को बस पकड़ के हमें जाना पड़ेगा हम लोग का जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है हाइकिंग के लिए। सो अभी सबको ही हम लोग दोस्त लोग रेडी हो रहे हैं, सब सामान वामान पैक उप कर रहे हैं हम लोग भी, जिसको जितना सामान लेना है ले रहा है और कम से कम हो सके हम लोग सामान लेके जाएंगे बिकॉज हम लोग का हाइकिंग है 15 किलोमीटर का जो कि काफ़ी ख़तरनाक, काफ़ी मज़ेदार एंड काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ होने वाला है। सो इसलिए हम लोग हो सके जितना से कम सामान होगा हम लोग लेके जाएंगे ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो चढ़ाई करने में। एंड हम लोग चढ़ाई करने के बाद देन फिर आज हम लोग रात में वही कैंपिंग करने वाले हैं, कैंप सब में रुकने वाले हैं एंड वापस कल हम लोग पहाड़ से उतर के वापस हम लोग यहाँ पर आएंगे जहाँ हम लोग का होटल है। सो अभी सबको रेडी वेडी हो रहे हैं एंड भाई मतलब रोज़ का अगर सुबह इस तरह इस नेचर का साथ होगा तो भाई मज़ा ही अलग आ जाएगा। सो आज बहुत ही खूबसूरत नेचर के साथ ब्यूटी के साथ हम लोग का सुबह हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप भी काफ़ी अच्छा खिला हुआ है निकला हुआ है। सो मज़ा आ रहा है, जोश काफ़ी अभी हम लोगों के अंदर एकदम फुल पावर, हम लोग सब रेडी हो रहे हैं एंड सबको अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई पहाड़ चढ़ना है तो चढ़ना है, एकदम कंप्लीट करना है। सो चलिए अभी हम लोग भी कुछ कुछ सामान पैक कर लेते हैं, जो जरूरत का सामान है पैकिंग करेंगे फिर हम लोग निकलेंगे एंड फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से सीधा पहाड़ चढ़ते समय। एंड गाइस, वहाँ पर अभी हम लोग को नेटवर्क एकदम नहीं मिलने वाला, यहाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क था जियो का एंड थोड़ा बहुत चल रहा था, हम लोग आपको अपडेट दे भी पा रहे थे अपने इंस्टाग्राम में बट अभी पहाड़ चढ़ना शुरू करेंगे तो पहाड़ चढ़ते हैं आप लोगों को कुछ अपडेट नहीं दे पाएंगे बिकॉज नेटवर्क पूरा कट हो जाएगा। सो देखते हैं, अगर नेटवर्क मिला तो पॉसिबल होगा तो हम लोग आप लोग इंस्टाग्राम में अपडेट देते रहेंगे एंड बाकी तो ब्लॉगिंग तो अपना बनते रहेगा। सो चलिए हम लोग अभी सामान पैक करते हैं एंड फिर सीधा हम लोग निकलते हैं अपना हाइकिंग के लिए। हम लोग का सारा गैंग का मेंबर सब रेडी, सब उतर रहे हैं एंड हम लोग ने सबको एक एक बैग पकड़ा हुआ है अपना अपना जिसमें जरूरी का सामान सब रखना है, ज़रूरत का सामान सब एंड बाकी जो हम लोग का लगेज वाला बैग सब तो बड़ा बड़ा बैग हम लोग ने अपना यहीं पर हम लोग का होटल में ही हम लोग छोड़ दिए हैं क्योंकि हम लोग को वापस कल यहीं पर आना है। सो सामान सब भी अच्छा से यहाँ पर रख लिए हम लोग रूम में एंड बस हम लोग का निकलने का टाइम हो गया। तो गाइस अभी हम लोगों ने ORS ले लिया है यार, काफ़ी ज़रूरी है, अभी हम लोग ट्रैकिंग करने वाले हैं, हम लोग झटके में इसको अपना बोतल में भरते हैं भाई क्योंकि अभी जितना हमें हो सके अपने साथ एनर्जी रखना है एंड भाई क्योंकि अभी हाई एटीट्यूड में जा रहे हैं भाई, दिक्कत तो आएगा। सो फिर जा रहा है अभी नहीं ठीक किया, बीच रास्ते में फिर हम लोग को बनाना पड़ जाएगा। हम तभी बना ले रहे हैं एक ही बार पूरा पैकेट। तुम क्या कर रहे हो? सो आप लोग भी अगर कसोल आते हैं या फिर ट्रैकिंग वगैरह में जाते हैं सो ORS पैकेट अपने साथ जरूर से रख लीजिएगा यार, बहुत सही चीज़ है ORS, एकदम आपको एनर्जी टाइम टाइम में देते रहेगा, एक एक घूट पीते रहना है और आधा घंटा में हर 10-15 मिनट जैसे भी क्या एकदम। मैं तो इसी पे इसी बना के रखें। बस अपना एनर्जी ड्रिंक तैयार है आज का, अब इसी साल पी पी के पहाड़ चढ़ने वाले हैं। बरसेनी पहुंच गए हैं एंड यहाँ का लुक अभी वाई
पहाड़ 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 बर्फीला पहाड़ सब ऊपर ऊपर में, तब काफ़ी मज़ेदार जगह है भाई। यहाँ से तो व्यू और नेचर और खूबसूरत होते जा रहा है। एंड अभी हम लोग दो कार में आए थे, हम लोग का ये दोनों कार है। हम लोग बस का वेट इसलिए नहीं किया बिकॉज बस आधा घंटा और लेट था, एंड फिर हम लोग को आज ट्रैकिंग भी करना है तो हम लोग और लेट होते जा रहे थे, सो इसलिए हम लोगों ने पर्सनल कार ही बुक कर लिया। सो सही है, हम लोग जल्दी पहुँच गए। एंड अभी सारे हम लोग के बॉयज़ हैं, एंड अभी हम लोग अपने कैंपिंग वाले टूर वाले गाइड को हम लोग साथ कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। अभी हम लोग को कैंपिंग भी आगे ऊपर करना है, फिर ट्रैकिंग करना है, सो सारा कुछ अभी उन्हीं से पता चलेगा। सो फिलहाल के लिए व्यू तगड़ा जबरदस्त है। सही क्या जो कैसे लग रहा है व्यू? सही दिख रहा नहीं पूरा, वहाँ देख रहा पर बर्फ वाला पहाड़ इतना बड़ा बड़ा। सही है भाई, अभी हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। एंड अभी ऊपर चढ़ के हम लोग एक बार भाई टॉप एकदम ऊपर से मतलब व्यू का नज़ारा लेते हैं एक बार। वाई क्या सही लग रहा है, मतलब पूरा पहाड़ एंड नीचे नदी। अभी पता नहीं आप लोगों को नदी का आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट हमें आ रहा है, काफ़ी सही है। मतलब सफ़र का शुरुआत ही इतना सुंदर, इतना सुहाना मौसम के साथ, इतना अच्छा व्यू, वाव, मतलब अमेजिंग मैन, अमेजिंग, बहुत सही, बड़ी मज़ा आ रहा है। अभी हमें ट्रैकिंग तो अभी शुरू हुआ है, सुंदर सुंदर नज़ारे दृश्य देखने हमें अभी ही मिल गए हैं, इतना सही। सफर का ही था मैं, सफर का रहा। ये व्यू सब देखिए गाइस, ये पहाड़, अब हम लोग इसी में चढ़ने वाले हैं। तो जो जो हम लोग का ट्रैकिंग शुरू हो रहा है, कैसा लग रहा है? हो ही चुका है, आप भी एक्साइटेड है, अभी बाद में जाके थक जाएंगे पूरा। अभी जो एनर्जी है, इसे बात कर पा रहा है। अरिल क्या हालत होने वाला है, क्या लगता है आधा घंटा में देखा जाएगा? ऊपर कुछ बोला नहीं जा सकता अभी। सो अभी ज़्यादा कुछ बोला जा नहीं सकता है गाइस, क्योंकि हम लोग का ट्रैकिंग जस्ट अभी शुरू हुआ है 10 मिनट होते हुए। एंड ओके सर, मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत सा डैम पार कर हम लोग डैम के ऊपर में है। अभी हम लोगों को सीधे यहाँ से भी ऊपर चढ़ना है एंड हमारा ट्रैकिंग शुरू। वो अभी आधे लोग दोस्त लोग चढ़ना शुरू करती हैं, वो लोग दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे पता नहीं, वो वहाँ चढ़ना शुरू, अब ऐसे ऐसे पर चढ़ना हमें। सो ट्रैकिंग मज़ेदार तो पूरा होने वाला है, पूरा एडवेंचरस। ये डैम देखिए आप लोग, क्या खूबसूरत सा डैम है। एंड यही डैम से हम लोग अभी चल के आए हैं। एंड हमें ज़्यादा फ़ोटो वगैरह एंड वीडियो लेने का परमिशन मिला नहीं है, अलाउ नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, ज़्यादा फ़ोटो ले नहीं सकते हैं। एंड हमें ऊपर चढ़ना भी है वरना हम लोग काफ़ी लेट हो जाएंगे। चलो चलो ऊपर चढ़ते हैं, बहुत लेट हो जाएंगे ना, तो बहुत लेट हो जाएंगे। सभी हम लोग चढ़ना शुरू करते हैं। क्या निकोल सर क्या हो गया? बैग उग देख के वही। सो रास्ता तो डेंजरस तो है, हमें अभी संभल संभल के चढ़ना होगा, एकदम मैनर सवाल डाला फीलिंग आ जा रहा है गाइस। बियर गिल्स, अभी हम लोग सारे को बियर गिल्स बन गए हैं। एंड थोड़ा भी रास्ता चढ़ने में ध्यान देंगे हम लोग। अभी ये वार्म अप चल रहा है, अभी तो हम लोग का ट्रैकिंग शुरू भी नहीं हुआ है, जस्ट क्या बोलते हैं वो 5 मिनट वाला स्टार्टिंग है। एंड इसी में हम लोग का हालत अभी ख़राब हो रहा है, अभी इतना ज़्यादा हाँप रहे हम लोग। ओह
स्लीप कर लेगा आराम से। चलो ज़्यादा लेट नहीं, देखा ना, सुना ना क्या बोला भैया लोग, बहुत ज़्यादा लेट हो गया हम लोग, 3 बज रहा है, 6 बजे रात भी जगह, 6 घंटा का तो ये ट्रैक अभी रहने वाला है। तो भाई अभी 3:20 हो रहा है एंड गाइस आप लोग अभी एक और व्यू देखिए, ये हमारा पूरा रास्ता है ट्रैकिंग का, हम लोग पूरा वहाँ से होते हुए आए हैं भाई, ज़बरदस्त, मतलब काफ़ी सही है, बट रास्ता भी हमें ध्यान से आराम से क्यों आराम से रास्ता का एकदम ख्याल रखना होगा हम लोग को भाई। ओ भाई हमारा छोटा सा ब्रिज, मतलब जैसा हम लोग डिस्कवरी में या फिर नेशनल ज्योग्राफी में देखते थे बचपन में, एकदम मुफ्ता वाला पूरा फीलिंग आ रहा है भाई, एकदम पूरा बियर गिल्स वादियों में, एकदम काफ़ी सही चल रहा है हम लोग का ट्रैकिंग अभी तक। हम लोग धीरे धीरे थोड़ा हो गए हैं स्लो हम लोग का स्पीड, बट कोई नहीं, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। एंड भाई नज़ारा तो यार आप लोग कहीं पर भी माइनस पॉइंट नहीं दे सकते नज़ारा का, इतना सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर व्यू है, मतलब जैसे दिखाया करता था हमें बचपन में डिस्कवरी में नेशनल ज्योग्राफी में जंगल का, वाह एकदम ओरिजिनल वैसा जंगल, बहुत सही बहुत सही। पूरा कैसे हैरी पॉटर सब कैसे जंगल सब दिखाता है, पर वैसे लग रहा है क्या। अभी हम लोग सीधा हॉगवर्ट्स जाएंगे गाइस, सीधा हॉगवर्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, एकदम हैरी पॉटर से मुलाकात करने वाले हैं अभी हम। अभी हम लोग हम करण और जोजो हम लोग का 3 जन का ग्रुप है एंड हम ही लोग सबसे लास्ट में हैं, हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बाकी साथी सब आगे चल गए हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे अभी बोलने में कितना दिक्कत हो रहा है हम लोगों को, हम लोग यार बहुत ज़्यादा हाई एटीट्यूड में आ गए हैं एंड ऊपर से इतना चढ़ना चलना, उफ़ भाई, और ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखना, हालत बहुत ख़राब हो रहा है भाई। तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं गाइस, इतना आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना पहाड़ों में चढ़ रहे हैं, ब्लॉगिंग बना रहे हैं, तो आप लोग खूब सारा प्यार दिखाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी आपका भाई को 1K पार करवाइए। और क्या यार, अभी बोलने भी नहीं बन रहा है कुछ, आप लोग यार एक सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा गाइज, अगर आप लोग कसोल आ रहे हैं एंड उसके बाद खीर गंगा का ट्रैकिंग करने वाले हैं आप लोग भी, सो आप लोग प्रॉपर तैयारी करके आइएगा एंड हो सके तो 1 महीना पहले मॉर्निंग वॉक जॉगिंग जो भी है सब शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में यहाँ पर ट्रैकिंग करने में प्रॉब्लम बहुत होगा, जो कि हम लोग ने गलती कर दिया है, हम लोग का फिटनेस लेवल एकदम 0 था, तो अभी हालत बहुत ख़राब हो रहा है, बट फिर हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं एंड साथ ही साथ प्रॉपर जूता लेके आइएगा, एकदम हाइकिंग करने वाला प्रॉपर शूज, क्योंकि हम लोग तो वो भी नहीं लेके आए, तो प्रॉब्लम भी काफ़ी हो रहा है, बट कोई नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, मैनेज कर रहे हैं। ऐसे आप लोगों को जूता नीचे से भी मिल जाएगा, रेंट में मिलता है, बट हम लोगों ने लिया नहीं, हमें नहीं पता था कि इतना प्रॉब्लम होगा, बट अभी इस नॉर्मल शूज सबके साथ हमें प्रॉब्लम आ रही है चढ़ाई करने में
एंड अभी थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट के यहाँ ब्रेक लेते हैं हम लोग। ओ कसूल कसूल। काफ़ी शांति है यहाँ पर, वो एकदम शहर से और शोरगुल से हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं, काफ़ी ऊपर। सो अच्छा तो काफ़ी लग रहा है इतना शांत जगह आके, क्योंकि खुला आसमान पूरे नेचर के साथ हाइकिंग हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। मतलब लाइफ में एक बार ब्रेक लेना चाहिए एंड दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ एक बार टूर में ज़रूर जाना चाहिए। एंड ट्राई कीजिए, टूर में जा रहे हैं तो ऐसा जगह जाइए जहाँ आप लोगों को शांति मिले, सुकून मिले भाई। ओह जो कि अभी हमें मिल रहा है, थोड़ा मेहनत भी है बट सुकून भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, एकदम शांति। एंड नज़ारे तो काफ़ी सुंदर हमें मिल ही रहे हैं, प्लस ये नज़ारे सुंदर सुंदर। ये मेरी लाइफ की अभी तक की सबसे अच्छी एक्सपीरियंस होगी। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने बहुत कुछ किया है बट ये हाइकिंग एंड ये कसोल ट्रिप अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ऑसम एंड क्रेज़ी। ऐसा हाइकिंग अभी तक हम लोगों ने किया नहीं था और काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें। और बस क्या ही बोले, आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों को पता चल रहा है। और भाई इन वादियों में लग रहा है रह जाएं क्या। शाम होने को आ गया है एंड हम लोग पता नहीं अभी कितना रास्ता हम लोग कवर किए हैं, बट आइडिया इतना है कि यार ज़्यादा रास्ता कवर नहीं कर पाए हम लोग एंड हमें अभी आगे और चलना है। लग रहा है रात तो ही जाएगा हम लोग को प्रॉपर पहुँचते पहुँचते। एंड हमारे साथ दिक्कत ये हो रहा है कि हम लोग शायद काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चल रहे हैं और यार हम लोग रुक भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। हम लोग सोचे थे कम रुकेंगे बट रुकना पड़ जा रहा हमें। और यार करण का भी हालत उतना ठीक नहीं है, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है चढ़ने में बिकॉज उसका थोड़ा ओवरवेट भी है। सो इसलिए हम लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि हम लोग कोई साथी को पीछे छोड़ना नहीं चाहते हैं। सभी करण और जो जो पीछे पीछे है हल अभी साथ में ही चल रहे हैं। सो हम लोग भले रात करते पहुँचते पहुँचते बट लेकिन साथ में ही बने रहेंगे, साथ में ही जाएंगे, किसी को अकेले पीछे नहीं छोड़ेंगे यार, क्योंकि अभी हमारे को साथ अभी कोई गाइड भी नहीं है, हम लोग विदाउट गाइड आए हुए हैं। सो इसलिए सबको साथ में ही चलना है। सो हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जैसा जैसा हम लोग से हो पा रहा है। सो बॉयज अभी हम लोग थोड़ा यहाँ 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अभी हम लोग वापस अपने कुछ ग्रुप के दोस्तों लोग से मिल गए हैं वापस। नीरज है, जो जो अपने साथी था, हर्ष है, सूर्या भी है एंड अभी और भी टूरिस्ट लोग थे, वो लोग वापस आ रहे थे। सो हम लोग ने उन लोगों से पूछा कि और कितना किलोमीटर यहाँ से होगा आगे का और खीरगंगा का, मतलब वो मेन पॉइंट हम लोग जहाँ जा रहे हैं। सो उन्होंने बोला कि और बचा है और 6 किलोमीटर आसपास है। सो भाई मतलब सुन के अच्छा लगा कि भाई और बस 6 किलोमीटर है। सो हम लोग जल्दी से 10 मिनट वाला ब्रेक लेते हैं, हाइड्रेट करते हैं अपने आप को, क्योंकि डिहाइड्रेशन से हम लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं यार। ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, पानी का कमी बहुत होता है बॉडी में। सो हम लोग पानी नहीं पीते, ORS सब हम लोग बना के रखे थे, वो सब पीते हैं ORS पानी, सब हाइड्रेट करते हैं अपने आपको एंड देन फिर और 6 किलोमीटर बचा हुआ है। एंड शायद मेरे ख्याल से हम लोग शाम ढलने से पहले पहुँच जाएंगे, अगर पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात होगी। सो अभी अलग ब्रेक ख़त्म करते हैं एंड फिर निकलते हैं और 6 किलोमीटर कवर करते हैं हम।